क्या आप CGL और CHSL के टॉपिक्स और सिलेबस में डिफरेंस जानते हैं? नहीं जानते तो देखिए आने वाली वीडियो को और जानिए CHSL वर्सेस CGL के बारे में। वेलकम यू द फास्टेस्ट ग्रोइंग YouTube चैनल फॉर इंग्लिश। Hello friends, I am Zubair Safi and I welcome you to my channel Orator Institute of English. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और टॉपिक्स में जो डिफरेंस होता है CHSL और CGL के एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि CGL और CHSL में क्या टॉपिक्स हैं जो इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है, या कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस इन दोनों में पूछे जाने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि CHSL वर्सेस CGL, कि CGL और CHSL के एग्जाम्स में इंग्लिश कितनी डिफरेंट है और है भी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इधर की तरफ CHSL की एक टेबल बनाई हुई है, पहले हम इसको टैली करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं जो एरर्स हैं वो दो नंबर की पूछी जाती हैं, ठीक। और जैसा आप उसके बाद देखेंगे, उसके बाद लिखा है फिलर्स भी दो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स भी दो क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक, एंटोनिम्स दो पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स भी दो, वन वर्ड दो, ईडियम दो, स्पेलिंग्स दो, रीअरेंजमेंट्स यानी पैरा जंबल जिसे बोलते हैं आम भाषा में स्टूडेंट्स, जैसे PQRS कहते हैं, वो दो पूछे जाएंगे, और पैसेज या क्लोज टेस्ट में से पांच नंबर, ठीक है, पांच नंबर का क्लोज टेस्ट। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 25 क्वेश्चंस हैं। अब एस्पिरेंट्स, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें से बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो SSC कभी कभार जो है उन्हें छोड़ दी है एग्जाम में पूछने से। SSC जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसमें CHSL जो है यानी 10+2 का जो एग्जाम है वो सबसे ज़्यादा अनसर्टेन है। इंग्लिश के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा अनसर्टेन SSC CHSL में कौन से टॉपिक पूछने वाली है, क्या पूछेगी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देगी, ये एक्चुअल में फिक्स नहीं होता। CGL में ये फिक्स हैं लेकिन CHSL में फिक्स नहीं होते। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, पिछले साल यानी 2017 को जो CHSL हुआ था उसमें बहुत से सेंट्स बने थे, जहाँ तक मेरा अनुमान है 40 से 45 सेट्स के आसपास शायद वो सेट थे। आप अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने सेट थे। तो उसमें कुछ सेट्स में क्या हो रहा था कि कोई टॉपिक आ रहा था कोई टॉपिक नहीं आ रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि स्पेलिंग जो थी वो किसी सेट में एक पूछी गई थी तो एक्टिव पैसिव को दो कर दिया गया था। किसी किसी टॉपिक में, मतलब किसी किसी सेट में पैरा जंबल ही नहीं थे यानी रीअरेंजमेंट ही नहीं आया हुआ था, दो क्वेश्चन यहाँ से स्किप थे और उसके लिए एक एरर बढ़ाई गई थी, यानी किसी सेट में तीन एरर्स थी, तीन इम्प्रूवमेंट था, ठीक। और किसी किसी सेट में ये सारे ही टॉपिक आए हुए थे। तो SSC CHSL में यही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, कभी कभार सभी आते हैं, कभी कभार एक टॉपिक को मिस कर दिया जाता है किसी एक टॉपिक का नंबर बढ़ाने के लिए। जैसे एक एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्किप किया जाएगा तो एक्टिव पैसिव को पूछा जाएगा दो नंबर में। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे एग्जामिनर इन टॉपिक्स को करता है। दूसरी तरफ जब आप इधर देखेंगे तो इधर है हमारे पास टेबल CGL की। अब CGL में तो टॉपिक्स तो यही है सेम, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है। जब CGL का प्री आप देने जाएंगे तो वहाँ एरर्स में तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिलर्स में भी तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इम्प्रूवमेंट में भी तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो एंटोनिम्स, दो सिनोनिम्स, तीन वन वर्ड, तीन ईडियम, एक स्पेलिंग और पांच नंबर का पैसेज या क्लोज टेस्ट होगा। अब एस्पिरेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और अरेंजमेंट, ये तीन टॉपिक
ऐसे हैं जो CGL के प्री में नहीं पूछे जाते और ये तीनों टॉपिक CHSL यानी 10 प्लस 2 के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट CGL में नहीं आता लेकिन CHSL में पूछा जाता है। एक्टिव एंड पैसिव CGL में नहीं आता लेकिन CHSL में पूछा जाता है। इसी तरह से अरेंजमेंट CGL में नहीं आता लेकिन CHSL में पूछा जाता है। दूसरा, जो नंबर यहां से रिड्यूस किए जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और अरेंजमेंट से, उनका एक एक नंबर CGL में एरर्स फिलर्स और इम्प्रूवमेंट में बढ़ाया जाता है और वर्ब और idioms में। ठीक, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये सभी टॉपिक्स जो हैं एरर्स फिलर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स CHSL में दो दो नंबर के हैं और CGL में तीन तीन नंबर्स के होते हैं, यानी तीन तीन क्वेश्चंस आते हैं, नंबर नहीं तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। ये इस तरह से 25 क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है। अब एक बात और यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि CHSL में होता क्या है कि कभी तो पैसेजेस दिए जाते हैं और कभी क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं। जैसे पिछले साल जो CHSL हुआ है उसमें ज़्यादातर सेट्स में क्लोज टेस्ट पूछा गया था और एक सेट में पैसेज आया था, उससे लास्ट ईयर पैसेजेस पूछे गए थे, क्लोज टेस्ट नहीं पूछे गए थे। लेकिन जब हम आप बात CGL की करेंगे तो CGL में 99% केसेस में पैसेज ही पूछा जाता है। इट मीन्स पैसेज और क्लोज टेस्ट का जब कंपैरिजन टीचर्स करते हैं तो ये पाते हैं कि पैसेज को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन क्लोज टेस्ट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो CHSL एक्चुअल में हार्ड है क्योंकि वहाँ पर क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, यहाँ पर पैसेज पूछा जाता है। इसी के साथ साथ अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि CHSL में अनसर्टेनिटी होती है किसी भी टॉपिक को ना पूछने की और किसी भी टॉपिक को पूछने की, लेकिन CGL में सर्टेनिटी है, यही टॉपिक्स पूछे जाएंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव और रीअरेंजमेंट नहीं पूछा जाता, अब तक नहीं पूछा गया, इन फ्यूचर पूछा जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये जनरलाइज है सभी टीचर्स को कि ये नहीं पूछा जाता है। आई होप कि आप प्री का जो टॉपिक है CHSL और CGL में जो डिफरेंस है उसे समझ गए होंगे। तो अब आप देखिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर आप CHSL के लिए जा रहे हैं तो आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर CGL के लिए जा रहे हैं और टाइम कम है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रीअरेंजमेंट से बचा जा सकता है। लेकिन एक वार्निंग अभी है आपको कि एक्टिव इन पैसिव और डायरेक्ट इन डायरेक्ट भले ही ट्रांसलेट करने ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं आते हों, लेकिन डायरेक्ट इन डायरेक्ट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस CGL में एज एन एरर पूछ लिया जाएगा, यानी एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट इन डायरेक्ट को वो इम्प्रूवमेंट बनाकर वो एरर्स की शेप में दे सकता है। ठीक, तो एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट इन डायरेक्ट टॉपिक निकाल दिया गया है CGL से, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको CHSL और CGL के सिलेबस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, एक CGL का मेंस होता है, उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, उसके लिए हम CHSL जब CGL हो जाएगा उसके टीयर सेकेंड होगा तो उसके आसपास हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि आप कैसे उसकी तैयारी करें और कितने क्वेश्चंस उसमें पूछे जाने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो के एंड में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हमारी वीडियो डिटेल में हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं वोकैबुलरी और ब्लॉग्स के लिए जो हम ग्रामर पर लिखते हैं। इसके साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम पेज और मेरी फेसबुक प्रोफाइल के लिंक हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और नए वीडियोस के टॉपिक्स मुझे बता सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं नए वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।